Hi everyone, welcome back to my channel Creativity with Sapna. Hope you all are doing great and are safe. So guys, मैं आपको बता दूँ, I was so busy that मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, but still आप लोगों ने मेरा you were all there. And सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे 1000 complete हो चुके हैं, and guys 1000 से भी ज़्यादा हो गए, 1100 and above हो गए हैं. एंड मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा कर सकूँ वीडियो बनाकर, या पोस्ट किया है मैंने, पर वीडियो बनाने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं था. एंड गाइज़ मैंने साथ साथ गिव अवे भी रखा था, सो थैंक यू सो मच गाइज. सो गाइज बेसिकली एक और बात है, मैं आज गिव अवे के विनर भी अनाउंस करने वाली हूँ, तो एंड में मैं गिव अवे के विनर अनाउंस कर दूंगी. सो या एंड गाइज, और आज साथ ही साथ मैं कुछ माई ग्लैम के न्यू प्रोडक्ट भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट एंड नोटिफिकेशन. सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो. सो गाइज आज मैं जो प्रोडक्ट रिव्यू देने वाली हूँ, मैं माई ग्लैम के न्यू लॉन्चेज स्पेशली न्यू प्रोडक्ट के रिव्यू देने वाली हूँ, जिसका मैंने रिव्यू नहीं दिया है अपने चैनल पे. तो बेसिकली उस काइंड के प्रोडक्ट के मैं रिव्यू दूंगी, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये सारे प्रोडक्ट के रिव्यू आपके साथ शेयर करने के लिए. तो सबसे पहले गाइज आई वुड लाइक टू शो यू द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस माई ग्लैम एक्सो एक्सो परफ्यूम. या सुपर क्यूट पैकिंग है इसकी, एंड ये किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत ही एकदम सही है. अंदर से मैंने निकाला तो समवट ये ऐसी है, एंड ऐसे ओपन होती है, एंड वाओ जस्ट इसको निकालते ही मुझे इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है गाइज. बहुत ही इसकी प्यारी खुशबू है, एंड इसका शेप तो देखो, वाओ लाइक आई एम जस्ट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट. बहुत ही क्यूट है ये, हार्ट शेप का स्पेशली गिफ्ट करने के लिए तो और भी एकदम सही है. एंड गाइज देखो अंदर से ऐसा है, एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इट्स वेरी नाइस. या लाइक बहुत फ्रेश वाला ये आ रहा है, एंड दिस वन इज एक्सो एक्सो स्पाइसी. इसमें और भी थे बट मैंने यही पिक किया, बिकॉज हमें जब भी मैं इसे पिक करना चाहती थी हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता था, तो ये वाला मुझे फाइनली मिल गया. एंड इसकी प्राइस है बहुत ₹3.95 गाइज, 3.95. इतनी छोटी सी है बट बहुत ज़्यादा ही प्राइस हो गई, बट स्टिल या आई लव दिस प्रोडक्ट, एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है. एंड या जो प्रोडक्ट मैंने पिक किया है ये नील पेंट्स है गाइज. ये ग्लिटर वाले नील पेंट्स अभी न्यू आए हैं माई ग्लैम पे, तो या इसमें बहुत सारे पाँच कलर जो है ये ग्लिटर वाले, बहुत ही प्यारे शेड है, एंड इसकी प्राइस है ₹249. बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, इसमें पीछे पांचों शेड दिया है, एंड बहुत ही प्रिटी शेड है. सो या रिकॉर्ड मैंने इसमें न्यूड वाले न्यूड शेड में ये वाले नेल पेंट पिक किए, मुझे न्यूड शेड पसंद आते हैं नेल पेंट्स. एंड या मैं नेल पेंट के शौकीन भी होता हूँ, मैंने नेल पेंट भी पिक कर लिया. नेक्स्ट मेरे पास ये है फेस एंड आई किट, ऐसा इसकी पैकिंग ऐसे ओपन होती है. एंड गाइज मैं बता दूँ इसकी प्राइस है ₹459, नियरली साढ़े चार सौ ही है. एंड अंदर से ये फेस एंड आई किट है, इसमें आपको ये सेटिंग पाउडर मिल जाती है, हाइलाइटर मिल जाता है, ब्लश मिल जाता है, एंड आई शेडोज मिल जाते हैं दो, एक शिमरी और एक ये ब्राउन में. तो या एक ये एकदम सही चीज़ है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, ट्रैवल फ्रेंडली मेकअप चाहिए तो ये एकदम सही है. इसमें सब कुछ आ जा रहा है, सारे फेस के किट. एंड तो या ये न्यू नहीं है, बट ये प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने आगे नहीं दिया था, इस कारण इसको मैं आपको दिखा रही हूँ. एंड या ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली, अपने पर्स में ट्रैवल करो, इतने सारे मेकअप रखने के जगह आप बस ये ट्रैवल कर लेकर चलो तो काफ़ी हो जाएगी, मतलब सफिशिएंट है. नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है वो है बॉडी लोशन. या ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें एक ग्लिटरी जैसे इसमें कलर आ रहा था, एंड ये काफ़ी लग्जरी इसकी पैकिंग है. इट्स अ ग्लो इरिडेंस ब्राइटिंग बॉडी लोशन इन्फ्यूज विथ रोज हिप ऑयल विटामिन इलेक्सिर, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट. एंड या आप इसकी पैकेजिंग देख लो, ऐसे अंदर में ऐसे ये फोम के साथ आया कि ये टूटे ना या ख़राब ना हो, एंड ऐसे ग्लास वाले बॉटल में, वाओ इट्स लुकिंग सो गुड गाइज. आज थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरे सामने कोई भी रिंग लाइट नहीं, बस ट्यूब लाइट जल रही है इस कारण. अरे ये मैं रात को शूट कर रही हूँ, मुझमें एनर्जी नहीं है, तो मैं बस शूट कर रही हूँ बिकॉज मुझे विनर भी अनाउंस करने थे गिव अवे के. एंड या बिकॉज मैं बहुत ही बिजी रहती हूँ ऑफिस में. तो ये आप देख लो, ये बहुत ही प्यारी लग रही है, बट लाइटिंग अच्छी नहीं है तो ये समझ में नहीं आ रही कि कितनी लग्जरी एंड प्रिटी लग रही है. एंड इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसकी प्राइस है बहुत ₹1095, बहुत ज़्यादा लग रही है, बट स्टिल मैं आपको दिखा दूँ, इसकी लिड भी बहुत क्लासी लग रही है. एंड जैसे ही मैंने इसको इसमें डाला अपने हैंड में, ये जो एक शाइन लाती है, सी दिस, आपको शायद कैमरे पे भी दिख रही होगी, एक गोल्डन सा रोज़ गोल्ड वाला इसमें शाइन आता है. एंड या मेरे हाथ हल्की सी शाइन है, इसमें पार्टिकल्स नहीं है ग्लिटर के, बट स्टिल आपके हैंड थोड़े से शाइनी लगते हैं. तो या इस ऑसम प्रोडक्ट, मुझे पसंद आया.
बस थोड़े बॉडी लोशन के प्राइस मुझे ज़्यादा लगे, बट या प्रोडक्ट वॉज गुड। एंड नेक्स्ट मैंने ये पिक किया, ये फाउंडेशन, मैंने दो दो फाउंडेशन पिक किया है, ट्रीट लव केयर ब्राइटनिंग फाउंडेशन, एंड या मैंने दो शेड में पिक किया है, वन इज़ विविड एंड दी अदर इज़ रिन्यूड। तो मैंने ये वाला न्यू प्रोडक्ट नहीं है, बट ये मैंने लिया नहीं था माइक्लैम से, तो इस कारण लाइक ये इसका मैं रिव्यू देना चाहती हूँ। या इसके फॉर्मुलेशन अच्छी है, अच्छा कवरेज है, तो इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ एक बार। एंड या ये वाला जो शेड है रिन्यू, ये थोड़ा मेरे स्किन से थोड़ा सा ये ज़्यादा डार्क हो गया है, तो या मैं तो भी काम चला लूँगी मिक्स करके, ये थोड़ा मेरे स्किन के हिसाब से डार्क हो गया। एंड ये वाला एकदम परफेक्ट है मेरे स्किन के टाइप के लिए, दिस वन इज़ विविड, ये वाला एकदम मेरे स्किन पर जाता है, इसका जो कलर है ये सही जा रहा है, या ये सही जा रहा है, ऑलमोस्ट दोनों ही जा रहा है, मतलब एक थोड़ा सा लाइट है और एक थोड़ा सा डार्क है, तो या ये बहुत हाथों पे बहुत जल्दी ब्लेंड हो गई, या मुझे प्रोडक्ट तो पसंद आई है, ये बहुत अच्छा कवरेज भी दे रही है मेरे हाथों पे। इसकी प्राइस है गाइस 995 या नियरली 1000 का प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट मैंने जो पिक किया है ये है माइग्लैम का लिक्विड मेट लिपस्टिक, या ये वाले आपने देखा, मैंने सोचा कि ये नेल पेंट फिर से आ गई क्या, बट ये नेल पेंट नहीं है गाइज, नेल पेंट माइग्लैम के लिट नेल पेंट जो ऐसे आते हैं दो वाले डियो वाले, एकदम सेम उसी के जैसा एंड वैसी ही पैकेजिंग है, वैसी ग्लास में, बट ये एक्चुअली लिपस्टिक है, दिस वन इज लिपस्टिक। एंड या मैं इसका स्वॉच आपको दिखा दूँ ज़रा सा, वाओ, या लाइक थोड़ा नूड में शेड है ये, एंड ये वाला शेड है स्ट्रैंगेजर, या ये वाला शेड बहुत ही प्रिटी है। एंड ये वाला देखो थोड़ा सा डीप है, ये लाइट ब्राउनिश शेड है, तो या मुझे नूड शेड बड़ा पसंद आता ब्राउन शेड में, तो एंड इसकी प्राइस है बहुत रुपीज़ 545, ओह माय गॉड व्हाई 545 क्यों, बट स्टिल या मुझे ये ट्राई करना था, ये काफ़ी न्यू लॉन्च है माइग्लैम पे, तो फाइनली इस पर मेरा हैंड, आई गॉट माई हैंड ऑन दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैंने न्यू लॉन्च में मुझे जो मैंने पिक किया है इस बार लिया है, ये है पॉपेक्सो का लिप बाम इन द शेड पकड़ाप, ये ऐसे संवर्ट खुलता है, ऐसे आपने देखा होगा पोपेक्सो में ऐसे लिपस्टिक भी आती है तीन शेड वाली, उसका रिव्यू मैंने दे दिया, बट ये लिप बाम है, या बेसिकली ये लिप बाम है, इसमें तीन शेड है, मैं इसको खोल के एक आपको दिखा दूँ, तो ये लिप बाम संवर्ट ऐसी है, या हल्का फुल्का ये कलर लिप बाम है, ज़्यादा कलर नहीं है बिकॉज ये लिप बाम है, तो या इसको मैंने यूज़ नहीं किया, बट आई होप दिस वन इज़ गोइंग टू बी गुड, बिकॉज आपको इसमें तीन तीन मिल जा रहे हैं, एंड या आप इसको लाइक एक बार में परचेज कर लो, आपको तीन लिप बाम आपको मिल जाएगा, या एंड गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत सही है, एकदम अच्छा है, एंड विंटर में तो लिप बाम मुझे चाहिए ही चाहिए, तो इसको भी मैंने पिक कर लिया। नेक्स्ट मैंने मनीष मनोत्रा का काजल 24 आवर काजल मैंने पिक किया है, ये भी न्यू नहीं है, बट इसका मैंने रिव्यू नहीं दिया, इस कारण मैं इसका रिव्यू देना, या तो ये बहुत ही मतलब बटरी एंड लॉन्ग लास्टिंग है, एंड या इसके आपके आईज में ये रहती है, एंड या 24 आवर्स तो नहीं मतलब ऑलमोस्ट रहती है, मतलब इसको लगा लेने से, मैं फेस वॉश भी करती हूँ, तो फेस वॉश करने के बाद आईज के नीचे ये काजल रहती है, मैंने इसको एक बार यूज़ कर चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट मैंने मनीष मनोत्रा का जो वन ऑफ माई लाइक मुझे जो प्रोडक्ट पसंद आया, ये है मनीष मनोत्रा का लिक्विड आईलाइनर, एक पेंसिल है एंड या पेन है, इट्स नॉट पेंसिल इट्स अ पेन, वाओ लाइक आई एम वेरी मच हैप्पी, ये तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, जैसे मैं यहाँ पे अपना वाओ इसकी टिप तो देखो गाइज, सी द टिप, इसकी टिप इतनी है लाइक आप इसको जितना पतला कर सकते हो देखो उतना पतला हो जाएगा, जितना मोटा करना है वो उतना हो जाएगा, सो वाओ लाइक आई एम जस्ट इट्स लाइक अ स्केच पेन एंड वो भी इतनी पतली टिप है, सो आई एम वेरी हैप्पी मच लाइक हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। एंड या ये रहेगी, ये जाएगी भी नहीं, या ये देखो कितनी जल्दी ड्राई हो गई है, एंड लाइक सी मैं बहुत ही जोर से मतलब रब कर रही, आपको साउंड आ रही होगी, एंड ये जा नहीं रही है, या लाइक एकदम सही प्रोडक्ट है, तो एंड इसकी प्राइस है बहुत रुपीज़, इट्स शेड इज़ ब्रॉन्जाइट, एंड इसकी प्राइस है बहुत रुपीज़ 895, 900 का प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट, तो या ये मुझे बहुत पसंद आई है। ये वाला शायद मैंने प्राइस आपको नहीं बताया, ये काजल का स्मोकी डायमंड, जो मैंने इससे पहले ये वाला जो काजल दिखाया था, ये भी इस पर भी मैं आपको दिखा दूँ स्मज करके, ये भी स्मज नहीं हो रही, देखो सच अ ब्यूटिफुल काजल, देखो ये स्मज नहीं हो रही है, सी दिस काजल, मैं कितना भी इसको ये कर दूँ ये समझ नहीं हो रही। एंड गाइज इसका प्राइस है
850, सो एंड दिस वन इज स्मोकी डायमंड। तो गाइज मैंने ये सारे आपको न्यू लॉन्चेस दिखा दिए और मैंने जो जो प्रोडक्ट के अभी तक मैंने रिव्यू नहीं दिए थे वो सारे प्रोडक्ट के रिव्यू आपको दिखा दिए। एंड नाउ गाइज जिसका इंतज़ार आपको था वो घड़ी आ गई एंड या एंड नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर जिसका तुम्हें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो या एंड नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर ऑफ माई गिव अवे एंड गाइज आई एम सो हैप्पी दैट 1000 रिच हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे 1000 होंगे बट या मुझे लाइक अब अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे धीरे धीरे लोगों से, तो बहुत अच्छा लगता है एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइज। एंड नाउ एंड एक और बात है, प्लीज़ आई एम अ वेरी स्मॉल यूट्यूबर, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं गिव अवे रखूँ, मेरे सब्सक्राइबर को भी मुझे कुछ देना चाहिए इतने जो सपोर्ट करते, बट अफसोस गाइज मैं सबको नहीं दे सकती। तो इस बार भी मैं एक ही विनर रख रही हूँ गाइज, मैं तो चाहती हूँ कि दो चार लोगों को दूँ बट अफसोस कि मैं नहीं कर पा रही हूँ उतना। तो गाइज इस बार भी एक ही विनर रख रही हूँ एंड द विनर फॉर दिस गिव अवे इज़। सो गाइज एक और बात बता दूँ, प्लीज़ डोंट अनसब्सक्राइब मत कर देना, ऐसा होता है ना कि नहीं मैं विन नहीं की ये वो, बट गाइज जो ज़्यादा मतलब मुझे जिससे ज़्यादा रिस्पांस मिले, ज़्यादा कमेंट किए, जिन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया, ज़्यादा रेफर किया, तो उसे ही विनर बनाना बनता है। तो और विनर फॉर माय सेकंड गिव अवे, ये मेरा सेकंड गिव अवे है, इज एटीट्यूड गर्ल, आई डोंट नो हर नेम, बट आप लोग अपना नाम प्रॉपर क्यों नहीं रखते हो, बट जो एटीट्यूड गर्ल करके जिसका यूट्यूब चैनल है, शी हैज़ सपोर्टेड मी अ लॉट, कंग्रेचुलेशन एटीट्यूड गर्ल। आप मेरा अपना एड्रेस मुझे इंस्टाग्राम में भेज देना, सेंड कर देना। सो होप थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड एवरीथिंग गाइज। मैं गिव अवे नेक्स्ट भी जल्दी आऊँगी, आप लोग जल्दी जल्दी मेरे 5K करवाओ उस पर गिव अवे कर दूँगी, 10K करवाओ उस पर भी गिव अवे कर दूँगी, 2K कराओ उस पर भी गिव अवे कर दूँगी। तो या गाइज आई एम यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। सो ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट एंड नोटिफिकेशन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई मेंशन माई इंस्टाग्राम आईडी ऑन स्क्रीन, सो डू फॉलो मी देयर। एंड गाइज होप आपने आज का वीडियो इन्जॉय किया होगा एंड मैं कोशिश करूँगी वीडियो जल्दी जल्दी लाऊँ बिकॉज आई वॉज टू बिजी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहे थे। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड आई लव यू।